हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी वीडियो में एक ऐसा पौधा लेके आई हूँ जो देखने में बहुत ही रंग बिरंगा है और इसकी पत्तियों को देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंट से इसके ऊपर जो है वो कलर के छींटे डाल दिए हों। तो ये सुंदर पौधा है क्रोटन का पौधा। तो आज के इस वीडियो में मैं क्रोटन के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर आपसे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और क्रोटन के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। पहला पॉइंट है क्रोटन के बारे में, मैं इसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये जो पौधा है ये थोड़ी वार्म्थ और ह्यूमिड क्लाइमेट को पसंद करता है। अगर टेम्परेचर कहीं का 10 डिग्री से नीचे है या कि 30 डिग्री से ऊपर है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। टेम्परेचर जो है अगर आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी ये पौधा क्रोटन का बहुत मुश्किल से एडजस्ट करता है। इसके तेज सर्दी के मौसम में हमें क्रोटन की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, परंतु अगर जो है वो ये क्रोटन थोड़ा सा इसको हम छाया में रख लें, थोड़ा सा हम इसको शेड के अंदर रखें तो ये जाड़े में आराम से रह लेता है। एक पेरेनियल प्लांट है और सालों साल आपके साथ आपके गार्डन में बना रहता है। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो मैं इसके ग्रोइंग पीरियड की बात करूंगी। तो क्रोटन का जो पौधा है वो आपका फरवरी और मार्च में बहुत अच्छा बसंत के मौसम में ग्रो करता है और इसकी अगर आप ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, इसकी पतली पतली डालियों को काट दें तो साइड से ब्रांच निकल आती हैं और ये खूब भूसी होके घना हो जाता है। तो इसका जो ग्रोइंग बेस्ट पीरियड है वो आपका फरवरी और मार्च का पीरियड है कि जिसमें कि क्रोटन का अच्छा ग्रो होता है। अब थर्ड पॉइंट, मैं इसके थर्ड पॉइंट में इसकी सनलाइट से संबंधित जो है रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूंगी। सनलाइट में अगर बहुत तेज़ धूप हो तो भी क्रोटन को परेशानी होती है। अगर आप इसे बिल्कुल छाया वाली जगह में रख दीजिए तब भी इसे परेशानी होती है और अंधेरी जगह में भी ये रहना पसंद नहीं करता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस क्रोटन को कहाँ रखें। तो क्रोटन को छनी हुई धूप पसंद है, इसको आप किसी अपनी विंडो चैल पे, ड्राइंग रूम वगैरह में इसको प्लेस कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे शेड में रख सकते हैं जहाँ पर इसको पौधों के बीच में छनी हुई धूप मिलती रहे। तो छनी हुई धूप पा करके ये बहुत खुश रहता है और बहुत अच्छी तरह से ब्लूम करता है और इसकी पत्तियाँ भी ख़राब नहीं होती। इसके वाटर से संबंधित बात करें तो क्रोटन ना तो बहुत ज़्यादा सॉगी वो सॉइल में रहता है और ना ही ये बहुत कम वाटर में सर्वाइव करता है। इसकी पत्तियां अगर इस तरीके से करके ऊपर से मुड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि इसको पानी की ज़रूरत है। और अगर इसके गमले में आपको गीली मिट्टी दिखाई दे तो कभी भी इसमें पानी ना डालिए, नहीं तो पानी डालने से होगा ये कि इसकी पत्तियां जो हैं वो शेड कर जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो इसको ना तो बहुत ही सॉगी सॉइल और ना ही बहुत ड्राई सॉइल पसंद है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बना रहे तो ये अच्छी प्रकार से रहता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं जो सॉइल के लिए ये जो है थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ऊपर करती हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको जैसे इसके ऊपर शॉवर ना करें और ये ऐसे ही रखा रहे तो इसके ऊपर सॉइल जल्दी जम जाती है। तो बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि जिसमें कि इसके ऊपर डस्ट लग जाए तो हम क्या करें। तो एक तो ये चीज़ है कि इसको आप थोड़े समय के लिए आउटडोर निकाल लीजिए और जो स्प्रे बॉटल होती है उससे आप इसकी सभी पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए तो इसके ऊपर जो डस्ट जमी होती है वो आराम से साफ़ हो जाती है। अब हम इसकी सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो क्रोटन के पौधे को एक रिच सॉइल चाहिए। रिच सॉइल से मतलब है ऐसी हो जिसमें आपका एक हिस्सा गार्डन सॉइल हो, सैंड हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोकोपीट हो, नीम की खली हो, ये सब मिला के एक अच्छा सा सॉइल मिक्सचर तैयार करिए और उसमें नर्सरी से लाके इस पौधे को लगा दीजिए या इसकी कटिंग्स को लगा दीजिए तो ये बहुत आराम से आपका ग्रो कर जाता है। अगर आप इसको बसंत के मौसम में नहीं लगा पाते हैं तो क्रोटन के पौधे की रीपॉटिंग आप
बरसात में भी कर सकते हैं और उसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। अब बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि जो है कि क्या क्रोटन जो है वो पॉइजनस पौधा होता है। एक आध लोगों ने कमेंट में पूछा कि मैम जब आप क्रोटन के ऊपर वीडियो बताएं तो बताइएगा कि किसी ने बताया हमें कि क्रोटन जो है एक पॉइजनस पौधा है, लेकिन एक्चुअली ये पॉइजनस नहीं है, बट इसकी पत्तियों को छूने के बाद अगर आप अपने हाथ धो लें तो वो बेटर रहता है। बच्चों को थोड़ा दूर रखें, इरिटेशन हो सकता है, और इसकी पत्ती को आप जहाँ से भी कट करेंगे वहाँ से एक गीला टाइप का सैप निकलता है जो कि हल्का सा इरिटेटिंग होता है, आपके हाथ पे फफोले आदि डाल सकता है। तो इसलिए आप अपने हैंड्स को अच्छी प्रकार से धो लें, अपने पेट्स और अपने बच्चों को इस क्रोटन के पौधे से थोड़ा दूर रखें तो ही अच्छा है। अब मैं इसके पेस्ट के बारे में बात करूं तो इस पे पेस्ट का अटैक होता है, लेकिन पेस्ट के अटैक के लिए जैसा मैं अपनी सब वीडियो में बताती चली आई हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करिए उस पे महीने डेढ़ महीने में एक बार। तो अगर इसमें कोई पेस्ट लगे हुए हैं तो वो आपके चले जाते हैं और आपका पौधा साफ हो जाता है। तो क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन प्लांट है, इंडोर प्लांट है, अगर आप अपने गार्डन में रखना चाहें तो वहाँ के लिए भी अच्छा है। इसको आप हल्की सी छनी हुई धूप दीजिए और अपने बाग में, आपके बाग में ये सालों साल बना रहेगा। एक प्रश्न मेरे पास ये भी काफ़ी बार कमेंट में आया है कि हमारे क्रोटन की सारी पत्तियाँ गिर गई और क्रोटन ख़राब हो गया। अब इसके पीछे जो है वो कई कारण हो सकते हैं, चार पांच पॉइंट्स मैं इसके लिए बताऊंगी। एक तो ओवर वाटरिंग जो है वो, उससे पत्तियाँ इसकी शेड हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपने पानी, आप कहीं चले गए हो इस पर पानी बिल्कुल नहीं पड़ा है तो भी इसकी पत्तियाँ ये अपनी गिरा देता है। तीसरी चीज़ ये है, अगर आपने इसको एक्सट्रीम सनलाइट में रख दिया है तो भी ये जो है ये क्रोटन आपका मर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो एक्सट्रीम सनलाइट में इसको ना रखिए, और ना ही जब दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक कोल्ड पड़ता है उसमें भी इसको मत रखिए। तो ना तो इसकी पत्तियाँ गिरेंगी, ना ही ख़राब होगा, और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। मेरे आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो आप भी अपने गार्डन में क्रोटन के पौधे ला के लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। अगर आपको मेरे ये केयरिंग टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।